सीओसी बहुत बोरिंग लगता है कसम से, लिटरली सीओसी मुझसे नहीं खेला जाता। मैं बहुत बार ट्राई किया सीओसी खेलने की, पर एट द एंड मुझे ऐसे ही लगता है कि यार मैं क्यों खेल रहा हूँ, ठीक है क्यों खेल रहा हूँ। कालिक्स गेमिंग, इसको रेडी करते हैं, चलो कालिक्स गेमिंग को। मैं कंटेंट के तौर पर सर्च कर रहा हूँ कौन अच्छी क्वालिटी में स्ट्रीम दे रहा है। कालिक्स गेमिंग आओ इसके मजे लेते हैं। अरे गरीना रेड, अरे कालिक्स को बोलो गरीना रेड भाई, गरीना रेड सारे जाओ कालिक्स की स्ट्रीम पे, ठीक है, और कालिक्स की स्ट्रीम पे लिखो जाके गरीना रेड, सारे सारे इतने बजे कर रहे हो, फटाक से कालिक्स की स्ट्रीम पे जाओ और लिखो गरीना रेड, ठीक है गरीना रेड। मेरा नाम लिखोगे मैं गांड फाड़ दूंगा, मेरा नाम गलती से भी मत लिखना भाई, गरीना रेड लिखना तुमको, लगना चाहिए गरीना रेड हमारी है। सारे सारे जाओ, सारे जाओ जाओ गरीना रेड, सारे जाओ लिखो गरीना रेड, सारे पहुंच जाओ पहुंच जाओ। टूर्नामेंट करवा रहा है शायद ये, गरीना रेड गरीना रेड गरीना रेड गरीना रेड, सारे पहुंच जाओ इस लिंक पर, सारे चले जाओ। यहाँ पे जीरो चाहिए मेरे को, जीरो बंदे चाहिए मेरे को, यहाँ बंदे चाहिए ही नहीं, यहाँ पे बंदे चाहिए ही नहीं मेरे को। लो स्लो मोड ऑफ कर दिया मैंने, आ जाओ फटाक से। गरीना रेड गरीना रेड भाई, सारे बंदे भाई, सारे बंदे पहुंच जाओ भाई, ओडिशा टी भाई सारे बंदे पहुंच जाओ, सारे कौन रेड मारा, गरीना रेड, सारे जाओ इस लिंक पे और लिखो गरीना रेड, गरीना रेड कौन किया भाई, सारे 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 जाओ यार, सारे एकदम जीरो कर दो यहां पे बच्चे, अरे भाई वहीं बचावा तक स्पैम करो बस, मजा आएगा। गरीना रेड गरीना रेड गरीना, ये स्काईलॉर्ड की काम है, स्काईलॉर्ड भाई का काम है ये, गरीना रेड की नहीं, हबीबी यार ये क्रिया भाई फिर से रेड, अरे भाई हबीबी पता चल गया भाई, गरीना रेड में जानता हूं ये फिर से स्काईलॉर्ड का काम, लोकेश लाइव है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, क्या बात कर रहे हो, देखते हैं भाई चलो देखते हैं भाई, रुको गरीना रेड ने भाई स्काईलॉर्ड ने रेड क्या पता है भाई, स्काईलॉर्ड भाई रुको भाई देखते हैं, रेड नहीं होता भाई, गरीना रेड नहीं होता, यहां पर क्या ग्लिच दिखा रहा है भाई मेरे उसमें, भाई दिल से लव यू यार, सारे बंदे 31,000 लाइक कंप्लीट कर रहे हो यार, मजा आया। हेलो गाइस, स्वागत है मेरे न्यू वीडियो पे और सबको नमस्कार, जय जगन्नाथ, और शुक्रिया आने के लिए फिर से वीडियो देखने के लिए। और मैं फिर से ला चुका हूँ मेरा नया वीडियो, मतलब नया वीडियो है, आप लोग देख ही सकते हो, और पहले ही मैं मतलब दिखा सकता, मतलब आपको आप लोग को दिखा चुका हूँ कि स्काईलॉर्ड ने मेरे को फिर से रेड किया था, और स्काईलॉर्ड को एक थैंक यू, छोटी सी थैंक यू बनाने बताने के लिए ये छोटी सी वीडियो उसके लिए, तो शुक्रिया स्काईलॉर्ड मतलब रेड करने के लिए, फिर से सपोर्ट करने के लिए और रेड करने के लिए फिर से शुक्रिया। लेकिन मैं यहाँ पे सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे फैमिली को, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली को, मेरे सब्सक्राइबर फैंस को, जो भी मेरे फैंस, जो भी मेरे फैमिली है, वो गए और वहाँ पे हर जगह हर स्ट्रीम पे जाके बोलते हैं जाओ कालेश को रेड करो, कालेश को रेड करो। तो गाइस उनके लिए तो बहुत ही बड़ी बात हो, तो मतलब उनके लिए मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, और वही बहुत ही बड़े हैं जो इतना सपोर्ट करते हैं, इतना कुछ किए हैं उनके, मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है, और सपोर्ट तो बहुत ही दिखाया भाई लोग ने, बहुत ही सपोर्ट दिखाया, शुक्रिया भाई लोग ऐसे सपोर्ट दिखाने के लिए, लव यू दिल से लव यू यार। अगर मैं अगर हाथ भी जोड़ कर अगर लव यू बोलूँगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, छोटा पड़ जाएगा, लव यू जो जो भी बोल के, जो जो भी बंदे जाके स्ट्रीम पे मतलब सारे स्ट्रीम पे जाके कालिक्स गेमिंग कालिक्स लिखते हो स्ट्रेट टू कालिक्स रेड टू कालिक्स, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा थैंक यू, उनको बहुत बड़ा थैंक यू बोला जाऊंगा, उनके बिना कुछ भी नहीं। रेड तभी करेंगे जब अपने बंदे जाके हमारा नाम स्पाम करेंगे और हमारा नाम बताएंगे, तभी रेड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, तो उनको तो उनके लिए बहुत ही बड़ा थैंक यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फैमिली को और स्काईलॉर्ड को थैंक यू वीडियो, छोटा सा थैंक यू बोल दिया उनको, लव यू दिल से लव यू यार। और गाइस हाँ, तो मैं पिछली बार बोला था, चलो पिछली बार जो बोला था कि 3,000 लाइक होगा, तो हमारे साथ बैटल एरिना पे क्या हुआ, मेरे हमारे साथ ही नहीं, हमारे साथ तो जो हुआ मैं बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे बंदों के साथ क्या हुआ, और ये मैं यहाँ पर सबकी बातें सबकी मतलब सबकी वॉइस सुनना चाहूँगा, जो भी सबका वॉइस है, जो भी सबका मैसेज है, मैं देना चाहूँगा सबकी मैसेज ये है, ठीक है। मेरे को इंस्टा पे डिस्कॉर्ड पे बहुत सारे बंदे ने बोले कि काली भाई ये हमारे साथ गलत हुआ गलत हुआ, चलो मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, हम कुछ करते हैं, मैं आप लोग की बात जो भी है मैं अपने वीडियो पे बता दूंगा, ठीक है। तो मैं उनके लिए और हमारे लिए कुछ बोलना चाहूँगा। तो उससे पहले भाई लोग यहाँ पे अगर हो गया फिर से 3,000 के लाइक के ऊपर हो गए,
चलो इस बार भी 3000 लाइक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर 3000 लाइक कंप्लीट होता है, वीडियो को पूरा देखना, 3000 लाइक कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वाले वीडियो पे खतरनाक वीडियो आएगा, तो उसको देख के सब चौंक जाओगे, उसके सबके लिए सरप्राइज है। तो अगर 3000 लाइक कंप्लीट हो गया तो देखना, ठीक है, क्या होता है। तो गाइस चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ पहले हमारे तरफ से, ठीक है, मेरे तरफ से हमारी टीम के साथ क्या हुआ। चलो गाइस, हमारी टीम बहुत ही मतलब सरप्राइज देनी चाहती थी, सबको सरप्राइज देना चाहता था। हमने बहुत ही मेहनत किए थे, पूरी रात दिन एक करके हर रात को हम खेलते थे, रैंक मैच खेलते थे, सिर्फ रस पे रस, ओनली रस, कुछ भी नहीं, ओनली रस। और मैं आप लोगों को पता ही होगा, मैं अपने लाइव स्ट्रीम पे भी जितने भी स्ट्रीम्स करता हूँ वहाँ पे बोलता हूँ 20 किल करोगे प्राइज होता है, मैं इसीलिए करवाता हूँ, ठीक है, आप लोग की प्रैक्टिस हो। और एक बात बताना चाहूँगा कि भाई लोग कि यहाँ पे मतलब आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही अच्छा रस हैंड होना चाहिए आपके पास, और बहुत ही अच्छी मतलब आपकी टीम को मतलब स्ट्रेंथ होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलो ठीक है, हमारी टीम ने हर मैच 22 किल्स प्लस किल्स किए थे, कोई भी मतलब छोटा मोटा नहीं था, कोई भी मतलब छूटा नहीं था, ठीक है। हर मैच बुया जाता, हर मैच सब कुछ जाता, लेकिन वो क्या होता है ना, थोड़ा नेट इश्यू की वजह से दो मैच हमारा कट गया। चलो कोई बात है, दो मैच गया भाई, टॉप फाइव मैचेस गिने जाते हैं, तो टॉप फाइव मैच हम गिने थे, सब कुछ किए थे, हमारे सारे मैच बहुत ही अच्छे गए, बहुत ही अच्छे गए। गाइस मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा, मैं हमारे साथ जो हुआ बहुत ही गंदा हुआ, बहुत ही बुरा लगा हमको। गाइस हमने मतलब मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट सब कुछ दिखाऊंगा, वेट करो बस। तो क्या हुआ ना गाइस, हम आखिरी मैच स्टार्ट कर रहे थे, आखिरी मैच पे अगर हमारी टीम 30 किल्स भी कर लेते ना, तो हमारा टीम कम से कम टॉप 18 पे क्वालिफाई कर लेती, टॉप 18 पे मतलब समझ लो हम क्वालिफाई हो जाते। और हमारी जो ड्रीम था, जो ओडिशा को मतलब सरप्राइज देना, तो वो हमारा सबसे बड़ी ड्रीम था, ओडिशा को अचानक हमारी टीम ऊपर जाएगी और पूरे के पूरे ओडिशा कम्युनिटी हमको प्यार देगा, तो हमारा ड्रीम यही था, हमारा प्लान यही था। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देख सकते हो गाइस हमारा, हम कितने नंबर पोजीशन पे है और हमारा स्कोर कितना है, ध्यान से देखना हम कितने नंबर पोजीशन पे है और हमारा स्कोर कितना है, पूरे के पूरे ध्यान से देखना, पॉज करके देखना, ध्यान से देखना। उसके बाद ये देखो, ठीक है, हमने हमारा टोटल रिकॉर्ड देखो, यहाँ से एक टॉप फाइव का रिकॉर्ड हम चेक करो, ठीक है, ये टॉप फाइव जितना है, पूरा लिस्ट चेक कर लो, पूरा पॉज करके पूरा लिस्ट हमारा चेक कर लेना। उसके बाद में आखिरी वाला एक चीज दिखाता हूँ जो हमारे साथ हुआ है, ये आखिरी रिकॉर्ड देख लो, 8 नंबर मैच पे हमारे साथ क्या हुआ, ये 8 नंबर पोजीशन मैच देखो गाइस, -30 लगाए, पता नहीं -30 क्यों लगाया और कैसे लगाया पता नहीं, कौन से हिसाब लगा के किया पता नहीं, लेकिन हाँ एक रूल था, एलिमिनेट हो गए तो माइनस लगे पता था, लेकिन खुद एलिमिनेट करवा के अगर हमका माइनस लगवाओगे गाइस, हाँ वो देख ही रहे हो, तो स्कोर अगर देख ही रहे हो तो माइनस जितना 30 लगाए वो 30 अगर प्लस मतलब अगर ऐड कर लोगे तो हमारा स्कोर कितना हो जाएगा, हम कितने नंबर पोजीशन पे चले जाएंगे वो देख लेना। और हाँ यहाँ पे तो वो जितने प्रूफ्स थे मेरे पास मतलब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरा मतलब जो भी दिखाना चाहता कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ बोल भी नहीं सकता ज़्यादा कि माइनस इतना लगा है, एबोंडेड मतलब क्यों हुआ क्यों उन्हें पता नहीं। मैं बोलता हूँ क्या हुआ, हम चारों आखिरी वाले मैच स्टार्ट किए, मैच स्टार्ट करने के बाद हमको चाहिए था आखिरी मैच में 30 किल, हमारा एक 26 किल्स वाला वो भी ऐड नहीं हुआ, 26 किल्स किए थे, दो 26 किल्स किए थे वो ऐड नहीं हुआ, खाते पे ऐड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ मेरे को पता नहीं, लेकिन हमने हिसाब क्या था कैलकुलेट किए थे, अगर एक मैच 30 किल्स पे निकल आया तो हम टॉप 18 पे सिलेक्ट हो जाएंगे, तो वो तो नहीं हुआ। और हमको क्या हुआ कि हमने मैच स्टार्ट कर दिया, जब स्टार्ट कर ही लिया तो हमने लॉबी के अंदर चले गए, लॉबी के अंदर जब चले गए वहाँ पर लोडिंग स्क्रीन आया, लोडिंग स्क्रीन में घुमा और हमको बाहर फेंक दिया, चारों के चारों बाहर फेंक दिया। तो मैंने सबको कॉल किया कि भाई क्या हुआ, मतलब सबको तुमको फेंक दिया क्या, हमारे हाँ मेरे को फेंक दिया, तो मैंने बोला कि चलो काम करो, गेम को रिस्टार्ट करो। गेम को रिस्टार्ट करने के बाद देखा कि भाई हमारा -30 लग चुका है, मैंने बोला और टिकट भी खत्म हो गया था, टिकट भी खत्म और -30 भी लग गया, मैंने बोला भैया ये क्या हुआ -30 लग गया, मतलब ये भाई कैसे हुआ भाई, अगर बहुत दिल टूटा भाई, मतलब सच्ची बोलते हैं गाइस, मैं अगर आप लोग मानो या ना मानो मेरे मतलब आंखों से आंसू आ गया था, मतलब हमने सोचा था ओडिशा को सरप्राइज देंगे, ओडिशा के पब्लिक को सरप्राइज देंगे, हम टॉप 50 या जो भी हो टॉप 30 के अंदर भी चले जाए ना ओडिशा, मतलब समझ लो मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीम मतलब वहाँ पे मतलब रिप्रेजेंट करेगा, बहुत ही खुश हो गए थे, बहुत ही मेहनत किए थे रात दिन, लेकिन कुछ हुआ नहीं, बहुत ही खराब लगा, दिल बहुत ही टूट गया था मेरा, बहुत ही टूट गया था, गेम मतलब मतलब समझो गेम छोड़ने की कोशिश पे आ गया था, इतने मतलब मतलब खराब लगा था, ठीक है, आंखों से पानी भी आ गया था गाइस, मैं क्या ही बोलूं। तो उसके बाद बाकी बात करते हैं भाई लोग के, जो जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है, जो जो मेरे को बहुत सारे मैसेज करते हैं, हाँ और एक प्रॉब्लम है बोलूँगा वो कि भाई
यहाँ पे जो मैच भी हो रहे थे वहाँ पे हैकर्स का अड्डा भी चल रहा था, हैकर्स आ रहे थे मार के चले जा रहे थे, ठीक है। बहुत सारे पब्लिक के साथ बहुत सारे प्लेयर्स के साथ क्या हुआ, उनके उनके सामने हैकर्स आए, उनको मार के चले गए और वही हैकर्स जाके एक नंबर जो भी है पोजीशन पकड़ के खड़े हैं, ठीक है। तो ये बहुत सही हो रहा है, अगर एक हैकर मार के चले गए तो उसके मतलब उनके मतलब उनके लिए क्या होगा भाई, उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा, कौन कुछ करेगा भाई। वो तो यूट्यूबर्स नहीं है, हर कोई यूट्यूबर नहीं कि वो आवाज़ उठा लेगा। जो मतलब हैकर से मार मतलब मर गए, जो स्क्वाड हैकर से मर गया तो उनके साथ क्या होगा, वो क्या करेंगे, कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है कि भाई हैकर मार के चले जाओगे, उनके लिए सही कुछ भी नहीं है भाई, उनके लिए कुछ भी नहीं है। हैकर अगर मार के चला जाएगा चलो ठीक है, एक टीम अगर टॉप 100 पे आ सकती थी वो भी टीम नहीं आ पाई, क्यों, हैकर मार के चला गया, उनके लिए कौन, उनके लिए सही क्या होगा, उनका दिल टूट जाएगा भाई। अगर गरीना ऐसा कर रहा है तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, उनका दिल टूट जाएगा। ऊपर से वो खेलेंगे तो वो किस मुंह से खेलेंगे भाई, वो हैकर आकर उनको मार के चले जा रहे हैं, किस मुंह से वो खेलेंगे। और वो उनको आगे जाने के लिए और क्या मतलब, मैं मतलब बहुत ही ख़राब लग रहा है यार, अगर गरीना अगर ऐसा करेगा तो कैसा चलेगा भाई। अगर हैकर अगर हो सकता है, अगर कोई भी स्क्वाड टॉप 100 पे आ सकता था, टॉप 100 पे आ सकता था, लेकिन वो स्क्वाड क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि हैकर की वजह से, उनके लिए क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है। मेरे को बहुत ही ख़राब लगा गाइस, मेरे को बहुत खुद से बहुत ही बुरा लगा कि ये सब हो रहा है। बहुत सारे बंदे ने बोला काली भाई हम क्या करें यार, गेम छोड़ते हैं कि काली भाई हैकर आके मार के चले जा रहे थे, हम क्या करें बैटलियन में, कैसे हम, हमारे भी एक मतलब ड्रीम था बैटलियन में खेलेंगे टॉप 100, बट भाई काली भाई टॉप 10 पे तो नहीं, टॉप 18 पे तो नहीं, टॉप 50 तो नहीं, टॉप 100 पे तो आ सकते थे, वहाँ पे तो कुछ मतलब खुश मिल जाता, आज टॉप 100 पे जाएंगे, कल टॉप 50 में जाएंगे, ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस मतलब ऐसे ऐसे ग्राइंड करके आगे जाएंगे भाई, थोड़ी ना पहले से होता। मैंने बोला सही बात है भाई, लेकिन मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता भाई। हाँ मैं तुम्हारे लिए एक आवाज़ बन सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए आवाज़ उठा सकता हूँ, यूट्यूब पर बोल सकता हूँ, लेकिन भाई मेरे पास कोई पावर नहीं है भाई, कुछ भी नहीं हो सकता भाई, कुछ भी नहीं हो सकता, कोई सपोर्ट ही नहीं करता भाई, ठीक है। ये सब कुछ हो भी नहीं सकता, जब तक करने वाले हैकर्स के लिए कुछ नहीं करेंगे तब हमारे लिए कुछ हो भी नहीं सकता भाई। हैकर आएंगे, ऐसे ही हैकर आएंगे, ऐसे ही हैकर्स आएंगे, तुम्हारा टोली तुम्हारा मतलब गांड फाड़ के चले जाएंगे, कुछ हो भी, तुम कुछ उखाड़ भी नहीं सकते उनको, ठीक है। तो यही बात है भाई, मैं गाइस बस ये मतलब समझाना चाहता हूँ कि भाई कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर मेहनत भी करोगे तो होने वाला नहीं है, यहाँ पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी को भी। और मैं अपने लिए बस ये अपने लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अपने लिए सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, ये सारे मेरे पब्लिक के लिए, जो जो अभी ये सबसे जूझ रहे हैं, ये सबसे मतलब गुजर रहे हैं, उनके लिए, बस मेरे लिए ये नहीं है कि मैं आ गया बस मेरे लिए वीडियो बना दे। हमारे साथ तो जो हुआ हुआ, लेकिन जो है जो उन लोग के साथ हुआ, जो हैकर मार के चले गए, उनके साथ क्या होगा, कुछ भी नहीं ना, उनके साथ फेयर नहीं हुआ ना, ये तो अनफेयर हुआ भाई। कोई हैकर मार के चला गया, उनको हो सकता था वो टॉप 100 पे आ सकता, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि हैकर मार के चला गया, उसके साथ क्या होगा। एक काम करते, अगर ऐसा करते हो, अगर एलिमिनेट करने से अगर हो जाता मतलब माइनस होता है, तो तुम्हारे हैकर आके जो मार रहे हैं उनके लिए प्लस कर दो थोड़ा भाई, प्लस कर दो। अगर एलिमिनेट करवाने से तुम्हारा मतलब बंदे माइनस करवा रहे हो, तो एक काम करो, तुम तो बाहर भी फेंक दे रहे हो गेम से, एक काम करो ना, हैकर आके मार जा रहे हैं तो उनको पूरा पूरे 100 पॉइंट मतलब दे दो, वो पूरा फुल के फुल पॉइंट्स दे दो पूरे के पूरे, हैकर मार के चले गए उनको, वो तो उनकी गलती नहीं है, तो क्या करोगे अभी, कुछ भी नहीं। चलो कोई बात नहीं गाइस, ऐसे हैकर्स को आने तो ऐसे खेलने, तो हम तो भाई बैठे हैं ताली मारेंगे और कुछ भी नहीं। चलो गाइस मैं चलता हूँ, मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा था, और मैं इसीलिए मैंने बोला था कि भाई ये बहुत ही वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ, ये सबके लिए, मेरे लिए बस नहीं है, मेरी टीम के लिए नहीं है, ये उन टीमों के लिए है जो ड्रीम देखते हैं, जो आगे रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश करते हैं, उन टीम मतलब उन टीम लोग के लिए है, बस हमारे टीम लोग के लिए नहीं है, ठीक है गाइस। मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और प्यार देना हो सके तो स्ट्रीम मतलब वीडियो को शेयर कर देना जितने भी देख रहे हो, और लाइक ठोक दीजिएगा, और जो जो नया है सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक पीस आउट।